नानी साहब आ चुके हैं, इस्लामाबाद से बाहर जाना था इसलिए वो नहीं आ सके, तो सुबह मॉर्निंग में उन्होंने मुझे कहा, तो उनके भी आपके उनसे भी माजरा की, आप लोगों से माजरा की थी तरफ से। और आज के इस फंक्शन के हवाले से, जैसा कि मैम ने अभी मुझे बताया कि ये आपका एनुअल गेट टुगेदर है, और उसमें बच्चों के लिए, बिलखसूस छोटे बच्चों के लिए, जैसा कि आपका ये स्कूल जो है ये छोटे बच्चों के लिए है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के वक्त में व्हाट आई बिलीव इज दिस, हमारे वक्त में बच्चे पालना आसान था, आज बच्चे पालना मुश्किल है, और बिलखसूस जो छोटे बच्चे हैं उनको पालना रिजनली उनकी केयर इतनी करनी पड़ती है कि शायद वक्त ऐसा आ गया है कि अगर उनकी प्रॉपरली इनिशियली केयर ना की जाए। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस वक्त में आईपैड पे, कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे, जो मैं तो समझ रहा हूँ ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि जिसमें अभी चंद दिनों का ही बच्चा होगा उसको शायद माँ बाप का उतना ना पता हो जितना स्मार्टफोन का पता होगा। लेकिन आई बिलीव इन दिस के नो डाउट इन, हमें ज़रूर आईटी के साथ चलना चाहिए, आज की दुनिया में रहने के लिए जो आज की चीज़ें हैं हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर फिजिकल जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है उसको भी सामने रखा जाए तो दैट इज़ बेटर। हमने अपनी वालदा को, अपने बड़ों को देखा था तो उनकी ख्वाहिश यही होती थी, उनकी कोशिश यही होती थी कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। जबकि अब देखा गया है कि जो बच्चे मिडिल एज 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंडली जहाँ तक स्कूल्स का ताल्लुक है वो तो शायद अपनी जगह केयर करते ही करते हैं, वो अच्छे तरीके से करते हैं, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि उनका भी जो सिस्टम सेटअप आ गया है वो शायद पढ़ाई की तरफ कम तवज्जो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, आई होप मैम इस बात पे मुझसे नाराज ना हो, बट दिस इज़ द फैक्ट। व्हाट आई बिलीव इज़ दिस, इट रिमाइंड्स मी कि जब मैं भी अब चूँकि बड़ी उम्र में आ गया हूँ, अपने आप को समझता तो यही हूँ, सो हमारे वक्त में ये कहा जाता था कि जी बच्चे रात रात को पढ़ते हैं, और जो हमारे बड़े थे वो मामू हमारे कुछ और वो ये कहा करते थे कि हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। तो उस वक्त में उन्होंने जो तरक्की की, शायद मेरी नज़र में उसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी। आज बच्चों में वो डेडिकेशन पैदा करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिमांडिंग और अपने आप को ज़रा खुद मुख्तार ज़्यादा हो गए हैं, और उस खुद मुख्तारी में वो ये भूल जाते हैं कि भी बड़ों को भी कुछ पता है, जिम्मेदारी होना और बात है। मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारी जनरेशन जो थी वो तो सैंडविच बन गई कि पहले वालिद वालदा की डांट खाते थे और अब बच्चों की डांट खाते हैं, शायद आप इस बात से एग्री करेंगे, बट दिस इज़ अ फैक्ट। और बट आई डू इन माई हाउस, जैसा घर में मैं और मेरी बेगम हम तो बहुत टेक्निकल तरीके से चलते हैं जी, हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, अभी जो सबसे छोटा है वो तो बहुत, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, इज़ अबाउट अभी वो ओ लेवल के एंड में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शायद थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगा कि एट टाइम हमें जब बच्चे बड़े हो रहे थे, आज मेरी बेटी, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो बच्चे मुझे छोटे नज़र आ रहे हैं कुछ लोग जा भी चुके हैं, लेकिन मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ, अपार्ट फ्रॉम सेनेटर, और वो भी सेनेटर MQM का, मैं एक रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं जी राजा बाज़ार की एक दुकान से मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया था, इट वॉज़ वे बैक एज अ सेल्समैन। तो मेरी तारीख, मेरी हिस्ट्री, एंड आई एम प्राउड टू से कि मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूँ। इट टुक मी अबाउट 40 ईयर्स, मेरा भाई नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं है, पोलिटिकली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, और वो भी अल्लाह की तरफ से कि हम सुनते थे कि सर उड़ाते ही होने पड़े, तो जब पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की बारी आई तो मुझे तो खुद को नहीं पता था, एंड आई ज्वाइन MQM, और उसके बाद फिर आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स थैंक्स टू अल्लाह। आई एम प्राउड टू से दिस थिंग क्योंकि मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूँ, और मैंने पॉलिटिक्स में भी कोशिश की, और उसकी वजह ये थी कि ज़िंदगी में जो शख्स
अपने लिए या अपने बच्चों के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकता, मैं नहीं समझता वो खुद कामयाब होगा या अपने बच्चे उसके कामयाब होंगे। और जो लोग जिनके बच्चे कामयाब नहीं होते वो फिर कसूरवार उनको ठहराते हैं। मेरी नज़र में अगर बच्चा कामयाब नहीं होता तो उसका कसूर जो है वो उसके पेरेंट्स का है, और ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स की आपस में एक इक्वेशन नहीं होती कि वालिद साहब एक काम को आंखें ज़रा इधर उधर कर रहे हैं और माँ कह रही है ये ना करो, दिस शुड नॉट बी। अगर है तो दोनों का एक डिसीजन होना चाहिए ताकि बच्चा ये ना समझे कि मैंने बाप के अंडर शेल्टर चलना है या माँ के अंडर शेल्टर चलना है। सो इसलिए जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हमने प्रोग्राम बनाया, अगेन मैम आपसे माजरत के साथ, ये उन दिनों में आई एम टॉकिंग अबाउट इट वॉज मिड 90s कि ज़रा प्राइवेट स्कूल्स का दौर ज़्यादा आ गया था। जैसे हम तो जी वो अपना प्रॉपरली शायद जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनमें भी ना पढ़ सके, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ पढ़ लिया। मेरा कॉलेज जो है, मेरा स्कूल जो है कि वो आइडियल कैम्ब्रिज था, फिर सर सैयद हुआ, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, और उसके बाद फिर आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सो कहने को मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन बात वही आती कि जब बच्चों की बात आई तो वी प्रेफर टू कि हम सेंट मेरी में भेजें और सेंट मेरी लाला और जो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, ये मैम चूँकि उस वक्त में वही स्कूल्स थे तो आपकी मैम ने मेरे करीब ही ये सिटी स्कूल बना था, इट वॉज ऑल्सो अर्ली 90s मुझे याद है, वैली रोड के साथ वाली ब्रांच जो है, और उसके सामने फिर बेकन हाउस बना, फिर जो अपना हमारी मैम मुश्ताक उन्होंने मेरे बच्चे से उधर पढ़ते रहे जी, अभी भी एक उधर ही पढ़ रहा है। सो मकसद ये एरा ऐसा आया कि जिसमें स्कूल्स ने तो बहुत तरक्की की, अगेन दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, आई मे बी रॉन्ग बट जस्ट शेयरिंग विद यू, और माँ बाप ने ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है बच्चों की वो स्कूल्स पर डाल दी। अब उनको कपड़े कैसे पहनाने हैं, बैग जो है वो मिकी माउस का होना चाहिए, बेटी है तो पिंक कलर का होना चाहिए, बेटा है तो ब्लू कलर का होना चाहिए। हमने बच्चों को पहली जमात से ही प्रेप से या पता नहीं ये अपने आजकल क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हाँ वो प्ले ग्रुप थी, प्रेप से भी पीछे आ गए प्ले ग्रुप से, और वो भी माएँ जान छुड़ाने के लिए 3 साल का बच्चा जो है उसको प्ले ग्रुप में भेज देती हैं कि चलो मैं भी आराम करूँगी, बट इट इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज। तो वो जो बच्चों को मटेरियलिस्टिक बना दिया गया, आई पर्सनली फील कि जो मेरे बुजुर्ग भाई यहाँ थोड़े से मेरी एज के या बड़े हैं वो ज़रूर ये देखेंगे कि हम पहले बच्चों में इतना मटेरियलिज्म नहीं लाते थे, बल्कि एक उनको हेल्दी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में डालते थे ताकि वो अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनसे कंपटीशन करें सिर्फ पढ़ाई की हद तक। अभी जो सिलसिला आया है भारत, अल्लाह करे दिस इज़ व्हाट द न्यू वर्ल्ड इज, न्यू एरा इज, जब हम दुनिया में जाते हैं, इट रिमाइंड्स मी आई वेंट टू जापान फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ, इट वॉज 1980 में मैं गया, तो वहाँ उस वक्त भी वो मैंने एक स्कूल के साथ होटल में ठहरा, तो मैं स्कूल के पास से चला गया, तो दे वर टेकिंग अ क्लास ऑफ 2 आवर्स एवरी डे, जो बच्चों की एवेल्यूएशन करते थे कि इस बच्चे को आगे ज़िंदगी में कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि हम बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन उतना डालें कि जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। व्हाट आई बिलीव, मेरे वालिद कहा करते थे उस वक्त में, हमारे वक्त में अभी तो शायद 50-60 नंबर लेकर बच्चा पास होता है तो शायद सारे ले लेते हैं, हमारे वक्त में 33 नंबर्स हुआ करते थे जी पास होने के लिए, तो मेरे वालिद अल्लाह मफ़रत फरमाए कहते थे कि 33 नंबर ले लेना अगली क्लास में चले जाना। मैंने कहा अबू जी ये क्या बात हुई, उन्होंने कहा बेटा ये क्लास में टॉप मत करना, जिंदगी में टॉप करना। तो अगर हम ये सोचें कि हमारे बच्चे दे शुड बी ब्राइट स्टार इन देयर प्रोफेशन, वट एवर द प्रोफेशन इज, वो चाहे शायद औरों को अच्छा लगे या ना लगे, अगर मेरा बच्चा उस प्रोफेशन में टॉप करता है तो इट मीन्स कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के मोटिव को समझ रहा है। मेरी बेटी ने जी उसने 10 A's विद 10 stars लिए थे ओ लेवल में, उसके बाद कोई 1024 नंबर लिए FSC में, टॉपर है,
मेरा बेटा भी पाकिस्तान टॉपर रहा, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया गया। ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक दुकानदार का बच्चा राजा बाजार की दुकान से जिसका ताल्लुक है, अगर वो टॉपर बनता है तो शायद उसमें स्कूल वालों का तो हाथ होगा ही होगा, लेकिन माँ बाप का भी ज़रूर है। इसलिए मेरी गुजारिश सबसे ये है, खुदा करे हमारे वक्त में इन बच्चों से, क्योंकि ये हमारी अगली जनरेशन है, आने वाला हमारी नस्ल जो है उससे इस मुल्क की तरक्की है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जो आए भी का लेजिस्लेचर मेरे बस में है, जो कि मैं आपके, अच्छा तो नहीं लगता कि मैं अब आपके घर ही बैठ कर और बात आपके खिलाफ करूँ, बट दिस इज़ द फैक्ट, आई एम गोइंग फॉर द लेजिस्लेशन जी, कि जिसमें कोई प्राइवेट स्कूल वो विदाउट एनी, आई मीन एक स्पेसिफिक परसेंटेज से हट के ना तो फीस बढ़ा सके और ना अदर एक्टिविटीज़ में पैसे ले सके। आई एम वेरी सॉरी टू से, बिकॉज आई रियलाइज इट कि जब मेरे बच्चे का फी बिल आता है तो मैं देखता हूँ, चले ये अलहदा बात है कि मैडम ने हमें मतलब पहले वक्तों में तो अकोमोडेट कर देती थी, अब तो शायद वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया, कि पहले वक्तों में कहते थे अच्छा जी दो बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं तो एक बच्चे की फीस आधी करते हैं, अब तो वो चीज़ भी चली गई। लेकिन आई बीइंग द लेजिस्लेचर भी मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं इस पर पूरी लेजिस्लेशन कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ये कहा गया कि ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, इट टुक मी 3 ईयर्स कि मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब मैंने प्राइवेट मेंबर बिल दिया। वो इसलिए कि हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर कोई केस में सुना सुनो कर दिया, लेकिन नहीं हो सका। रीजन भी इनका नेटवर्क हमारे नेटवर्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चूँकि ये एक जज के बच्चे को, जर्नैल के बच्चे को, मिनिस्टर के बच्चे को जिसको ये फ्री कर देते हैं तो उसकी सारी सिफारिश अपने पे ले लेते हैं। तो इसलिए ये सेटअप इनका बहुत अच्छा है, अल्लाह करे। मैं कहता हूँ पैसे देने के बाद भी अगर स्कूल, प्राइवेट स्कूल प्रॉपरली बच्चों को आज के मयार के मुताबिक ट्रेन कर दें और वो जाली जाली नंबर ना दें तो शायद बेहतर हो। कम अज़ कम पेरेंट्स इस बात से पर, इस बात से मुतफिक हों। वैसे अब मेरी सारी मजबूरी है क्योंकि मेरा अपने आप से प्रॉमिस है कि जब भी मैं बात करूँगा दिल की बात करूँगा और सच्ची बात करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप सेनेटर हैं, तो आई यूज टू से दिस कि यार मैं सेनेट के अंदर सेनेटर जरूर हूँ, सेनेट के बाहर नहीं हूँ। और सेकेंडली, जैसा मैंने कहा कि मेरी कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसी तरह अगर जो जो शख्स जिस जिस जगह पर है हमारी कौम में, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो आने वाले वक्त में ये जो हमारी हम तकलीफ़ें हैं, हम जो पीछे जा रहे हैं, कतई तौर पर नहीं जाएंगे। मुझे फ़ख्र है अपनी कौम पर, कौम के लोगों पर, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने ये पाकिस्तान बनाया, अगर हम उसको बचाने के लिए अपनी जगह और फिर मेटीरियलिस्टिक के लिए, आई यूज टू से दिस थिंग टू ऑल माय, आप समझेंगे बहुत टाइम दे रहा हूँ, दिस इज़ द फैक्ट। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि एक गाड़ी, एक घर और एक साल का राशन, मेरे ख्याल में ये सब के लिए काफ़ी है। अब जब हमें अल्लाह ने 12 गाड़ियाँ दे दी, 4 घर दे दिए, एसेट्स भी हमारे पास आ गए और फिर भी हमारी हवस नहीं ख़त्म होती, तो फिर हमें अपनी मौत को याद कर लेना चाहिए। और जिसको मौत याद होगी ना, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी होगी, वो अल्लाह की तरफ भी ज़रूर देखेगा और लोगों की मदद भी करेगा। खुदा हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और बिलखसूस अपने इस पाकिस्तान के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए, जिसको हमारे ही जैसे लोगों ने ख़राब किया है और हमारे ही जैसे, आप जैसे सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अगेन आपसे माजरत। Thank you so much.